नमस्कार, मैं प्रकाश गवले, मौसम विज्ञानी, मौसम केंद्र भोपाल। जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले 24 घंटे में हमने जैसे पूर्वानुमान दिया था, वैसे ही वेस्ट एमपी तथा ईस्ट एमपी में जो है वाइड स्प्रेड वर्षा दर्ज की गई है। उसके साथ ही सर्वाधिक मीन्स एक्सट्रीमली अत्याधिक हेवी रेनफॉल जो है वो एक जगह पे जैसे अलीराजपुर में 205 मिलीमीटर दर्ज किया गया है। उसके साथ ही वेस्ट एमपी में जो है चार स्टेशन में मीन्स वेरी हैवी रेनफॉल दर्ज किया गया है और 23 जगह पे जो है हैवी रेनफॉल दर्ज किया गया है। ईस्ट एमपी में आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रहा वर्षा का, और एक जगह पे तीन जगह पे जो है वेरी हैवी रेनफॉल दर्ज किया गया है, जिसमें कि छतरपुर में सर्वाधिक वर्षा 143.2 मिलीमीटर दर्ज की गई है। उसके साथ ही 10 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल दर्ज किया गया है, और बाकी जगह पे जो है मॉडरेट रेनफॉल और कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा दर्ज की गई है। पूरे प्रदेश में मीन्स वर्षा कम्प्लीट मीन्स रिकॉर्ड हो रही है। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि आने वाले 24 घंटे में यहाँ पे मीन्स एक जो डिप्रेशन बना हुआ है नॉर्थ वेस्ट एमपी यानी गुना से 60-70 किलोमीटर के पास में है, जो कि राजस्थान बॉर्डर के ऊपर स्थित है, और ये डिप्रेशन जो है आने वाले मीन्स 12 घंटे में और राजस्थान की तरफ मूव करने की संभावना है, और इसको डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट होने की संभावना है। लेकिन ये फिलहाल ये डिप्रेशन की वजह से, और जो मानसून ट्रफ जो है जैसलमेर से होते हुए पर्टिकुलर सेंटर ऑफ डिप्रेशन से पास होते हुए सीधी से आगे होते हुए एक साइसर जो है बांग्लादेश की तरफ जो बना हुआ है इसमें मर्ज हो रहा है, और इसके साथ ही एक ऑफशोर ट्रफ भी है, और इन्हीं सभी सिनॉप्टिक सिस्टम्स के चलते हमने जो है मीन्स पूर्वानुमान दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मीन्स आने वाले 24 घंटे के लिए पूरे प्रदेश में जो है मेनी प्लेसेस से मोस्ट प्लेसेस में रेनफॉल होने जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। उसके साथ ही जो देख सकते हैं कि हमने चेतावनी भी दी है, यहाँ पे रेड अलर्ट हमने 5 जिलों के लिए दिया गया है, जिसमें कि अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम तथा बड़वानी और धार जिला जो है 5 स्टेशन में रेड अलर्ट दिया है, जहाँ पे कि 204 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा होने की संभावना पूरी बनी हुई है। उसके साथ ही 6 जिले ऐसे हैं जिसमें ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं मैप में कि यहाँ पे वेरी हेवी रेनफॉल यानी 115 मिलीमीटर के ऊपर जो है वर्षा होने की संभावना पूरी बनी हुई है, और करीब 20-25 जिले ऐसे हैं जिसमें कि हमने येलो अलर्ट दिया हुआ है, यानी वेस्ट एमपी पूरा कवर हो रहा है ये चेतावनी में, और उसके साथ ही सेंट्रल पार्ट्स ऑफ एमपी और कहीं कहीं जो है नॉर्दर्न सागर संभाग की कुछ जिले जैसी है, इसमें कंप्लीट जो है नॉर्थ ईस्ट एमपी के जो मीन्स पोर्शन कवर हो रहा है, और नर्मदापुरम संभाग पूरा कवर हो रहा है। तो आने वाले मीन्स 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि मीन्स चेतावनी से पूरा भरा हुआ है मध्य प्रदेश का, और वेस्ट एमपी और सेंट्रल एमपी का पोर्शन। इसके साथ ही जैसे आप नेक्स्ट डे जाएंगे तो जो कंप्लीट जो सिस्टम है वो थोड़ा आगे डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसका असर फिर भी यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा वेस्ट एमपी में। इसलिए यहाँ पे हमने ये 26 तारीख के लिए 3 जिले ऐसे हैं, धार, अलीराजपुर और झाबुआ, जिसमें कि हमने ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है, और बाकी 5 मीन्स यहाँ पे वेस्ट एमपी के जो है उज्जैन संभाग के, जैसे कि रतलाम हो गया, मंदसौर हो गया, उज्जैन हो गया, और इंदौर संभाग का इंदौर और देवास जो है उज्जैन उज्जैन संभाग का जिला है, जिसमें कि हमने येलो अलर्ट दिया हुआ है, जिसमें हमने 65 मिलीमीटर के ऊपर वर्षा मीन्स होने की पूरी मीन्स पूर्वानुमान दिया हुआ है। उसके साथ ही जो है पूर्वी मध्य प्रदेश के जो है पन्ना, छतरपुर, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली तथा मुरैना और भिंड जो है यहाँ पे भी मीन्स हेवी रेनफॉल का हमने चेतावनी दी है पर्टिकुलर 26 तारीख के लिए, और बाकी जगह पे जो है गरज चमक के साथ जो है हल्की मीन्स बौछारें गिर सकती है। ये 26 तारीख का होने के बाद 27 तारीख का आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में तो फ्यू प्लेसेस से लेके मोस्ट मेनी प्लेसेस तक पूरा कंप्लीट मध्य प्रदेश में रेनफॉल होने की संभावना बनी हुई है। उसके साथ ही लेकिन यहाँ पे चेतावनी जो हम दे रहे थे, जैसे सिस्टम आगे सरकने की वजह से जो है यहाँ पे चेतावनी जो हैवी रेनफॉल की है नहीं, तो यहाँ पे भी लेकिन गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है, खास करके सेंट्रल पार्ट्स ऑफ एमपी, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ एमपी और नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन, जैसे ग्वालियर चंबल संभाग और सागर संभाग और रीवा संभाग के कुछ जिले हैं यहाँ पे गरज चमक के साथ बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। 27 तारीख के बाद 28 तारीख को आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फ्यू से मोस्ट प्लेसेस तक के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हो रहा है, और यहाँ पे भी मीन्स चेतावनी जो दी गई है ईस्ट एमपी के कुछ जिले है, जिसमें कि अनूपपुर, डिंडोरी और सिंगरौली है, यहाँ पे जो है भारी वर्षा की चेतावनी हमने दी है। बाकी जगह पे जो है पूरे प्रदेश में जो है गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है, कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है।
और ये 29 तारीख को फिर ये सिस्टम जो है, और मीन्स जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बे ऑफ बंगाल में था वो थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, उसकी वजह से आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश में जो है मेनी प्लेसेस में रेनफॉल हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे भी पूरे प्रदेश में हमने पूर्वी मध्य प्रदेश और साउथ साउथ ईस्ट MP के कुछ जिले है जहाँ पे जबलपुर संभाग के जैसे मीन्स डिंडोरी हो गया, बालाघाट हो गया, सिवनी, छिंदवाड़ा तथा शहडोल संभाग के जो है शहडोल और अनूपपुर और रीवा संभाग के सीधी में जो है डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेवी रेनफॉल की हमने चेतावनी दी है 5वें दिन के लिए। लोकल 18 के लिए भोपाल से दीपक पांडे की रिपोर्ट।